गुना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आज हनुमान चौराहा पर प्रदर्शन आंदोलन कर सभा की गई। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को डॉक्टर विष्णु शर्मा, राजेंद्र कुमार तिवारी, योगेंद्र शर्मा, मनीष श्रीवास्तव ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि की निंदा की और बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस कारण आम जनता को आज परिवार के साथ जीवन चलाना भी दूभर हो गया है। आज के प्रदर्शन आंदोलन में किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस लेने, मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 काली श्रम संहिताओं को रद्द करने और बिजली अधिनियम 2020 को वापस लेने, पेट्रोल डीजल में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई। और साथ ही प्रदर्शन आंदोलन में कैलाश नारायण भार्गव, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह मोरका, जिला कांग्रेस के महामंत्री कैलाश यादव, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव मुकेश रजक व असीम भटनागर के साथ ही मनोज तिवारी, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सचिव भगवान सिंह अहिरवार और निर्माण यूनियन के कमल यादव के साथ अन्य साथी मौजूद थे। मगर ये मोदी सरकार ने ना तो आज तक मूल्य वृद्धि के तीन काले कानून वापस किए और उसके बाद मजदूरों के कानून खत्म किए, लगातार मूल्य वृद्धि करना शुरू किया। ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उन दामों के बढ़ने से हर उपभोक्ता सामग्री की कीमतें बढ़ी हुई है। आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी सरकार ने जब से ये जनविरोधी नीतियां लागू की, ये 6 साल के शासन में, मोदी के शासन में जो तरफा तबाही तबाही है। एक तरफ मूल्य वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ रोजगार खत्म हुए हैं। तमाम तरीके से ये फैक्ट्रियां और कारखाने बंद होने के बाद करोड़ों करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, नौजवानों को रोजगार।